नमस्कार जी, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से आप सभी के सामने हम एक और वीडियो आईपीएल रिटेंशन से जुड़ी हुई लेके आ चुके हैं। पंजाब किंग्स की बात करने वाले हैं। इस मुकाबले में भैया शिखर धवन रिटायरमेंट ले चुके हैं, अब उनके बाद कौन इस टीम की नैया पार लगाने वाला है और पहले तो मैनेजमेंट किन किन खिलाड़ियों को रिटेन करने वाला है ये तो हम जान लें कि भैया किन खिलाड़ियों को भरोसा जताने वाला है, क्योंकि पंजाब किंग्स एक ऐसी मैनेजमेंट है जो खिलाड़ियों को उतना भरोसा दिखाती नहीं है। हर सीजन सबसे बड़े खिलाड़ी, महंगे खिलाड़ी कहीं ना कहीं ये लेते हैं और हर सीजन फिर उन्हें रवाना कर देते हैं। तो देखते हैं इस बार कौन से खिलाड़ी को रिटेन करने वाले। लेकिन उससे पहले आपको एक काम करना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो हमारे क्रिकेट एडिक्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, इंस्टा फेसबुक पे जाके फॉलो कर लेना है पेज को, और साथ ही वीडियो में अंत तक बने रहना है अगर आईपीएल और क्रिकेट के डाई हार्ट फैन है। अच्छे से बातचीत करेंगे, प्रीति जिंटा की ये टीम है, शिखर धवन है नहीं, सैम करन क्या रिटेन होंगे, शशांक वहां पर एक काफी बेहतरीन खिलाड़ी देखने को मिल रहे हैं जयदीप, लेकिन क्या इस बार 2025 मेगा ऑक्शन को अगर देखा जाए तो प्रीति जिंटा की जो मैनेजमेंट है वो भैया इस बार किन किन खिलाड़ियों पर दाव खेलने वाली है। खिलाड़ी तो इनके पास भी पंजाबी में कह लीजिए बतेरे है, पंजाबियों को बतेरे खिलाड़ी है रिटेन करने वास्ते, बट कर तो पांच ही सकते हैं, छह कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा टीम्स पांच खिलाड़ियों को रिटेन करने पर फोकस कर रही है और एक आरटीएम ले जाने पर फोकस कर रही है। तो उसी स्ट्रेटेजी के हिसाब से पंजाब किंग्स के पांच रिटेंशन की प्रवीण अगर मैं बात करूं, मेरे जो पांच रिटेंशन होने वाले, नंबर वन होने वाले सैम करन, क्योंकि सैम करन पिछले साल पंजाब किंग्स को लीड करते हुए भी नजर आए। उसके अलावा पंजाब किंग्स के साथ लगातार जुड़े हुए वो पिछले कुछ सालों से, बॉलिंग डिपार्टमेंट उन्होंने संभाल के रखा है, बैटिंग डिपार्टमेंट उन्होंने संभाल के रखा है, चाहे वो टॉप ऑर्डर हो चाहे मिडिल ऑर्डर हो या नीचे भी हो। तो जब एक खिलाड़ी आपको बॉलिंग भी करके दे रहा है, बैटिंग किसी भी पोजिशन पे करके दे रहा है और कप्तानी भी करके दे रहा है और उसकी कप्तानी में टीम जीत भी रही है, तो फिर मेरे को नहीं लगता पंजाब किंग्स के पास कोई भी कारण होना चाहिए उन्हें नहीं रिटेन करेगा। और सबसे बड़ी बात, सैम करन को खरीदा गया था 18.5 करोड़ में और अब उनको रिटेन किया जाता है 18 करोड़ में, तो 50 लाख तो बच ही गए। तो इसीलिए सैम करन डेफिनेटली एक रिटेंशन होने वाले, फर्स्ट रिटेंशन होने वाले। सेकंड रिटेंशन जो मैं चाहता हूं और जो पंजाब किंग्स भी चाहती होगी और पंजाबी फैंस भी चाहते होंगे वो होने चाहिए हर्षदीप सिंह। हर्षदीप सिंह वर्ल्ड कप विनिंग प्लेयर और अब तो T20 वर्ल्ड कप्स में टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा विकेट निकालने वाले भी बॉलर हो चुके हैं हर्षदीप सिंह, और कारनामा खाली दो वर्ल्ड कप्स में उन्होंने कर लिया। और इस बार के जो वर्ल्ड कप जो हमारी टीम जीती है उसके अंडररेटेड स्टार थे, किसी ने हर्षदीप के ओवर की बात नहीं करी, जो कि हमारा 19वां ओवर था जहां पर हर्षदीप ने शानदार बॉलिंग करी और मात्र 3-4 रन दिए। तो हर्षदीप डेफिनेटली सेकंड रिटेंशन होने चाहिए। थर्ड रिटेंशन से शायद मेरे से कुछ लोग खुश ना हो या फिर मैं खुश हो आप होते हो या नहीं होते हो, लेट्स सी। और डेफिनेटली कुछ लोग तो पक्का खुश नहीं होने वाले, लेकिन ये तो बात श्योर है कि बहुत प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। थर्ड रिटेंशन हर्षल पटेल को रख करके, क्योंकि देखिए लोगों को भरोसा नहीं है हर्षल पटेल पे, जैसा मैं कह रहा हूँ लोगों को भरोसा नहीं है, लेकिन दो पर्पल कैप प्रवीण और नो डाउट और आसान, और मैं कहता हूँ आसान काम तो आप छोड़िए, ये काम करना संभव ही नहीं है, है ना। जिस तरह का कारनामा हर्षल पटेल ने करके दिखाया, ये उन प्लेयर्स की लीग है जहां पर भुवनेश्वर कुमार का नाम आता है, ड्वेन ब्रावो का नाम आता है, कुछ हद तक चहल जैसे खिलाड़ियों का नाम आता है, राशिद खान जैसे, शमी जैसे खिलाड़ियों का नाम आता है। उस लीग में अगर हर्षल पटेल दो बार पर्पल कैप जीत रहे और उनको पंजाब रिटेन ना करे तो फिर बच्चो इधर कोई मत देंगे 11 करोड़ इससे ज्यादा तो वैसे भी पिछले सीजन में मिले हैं, तो कोई गलत डिसीजन नहीं है मेरी नजरों में ये। उसके बाद अब कुछ खिलाड़ी ऐसे बचते हैं जिनको पंजाब किंग्स रिटेन करना चाहेगी, लेकिन क्योंकि उनको ऑक्शन में भी पैसा लेके जाना है, तो मैं यहाँ दो अनकैप खिलाड़ियों को रिटेन करना चाहूंगा। डेफिनेटली एक तो शशांक सिंह होने वाले ही है, क्योंकि अगेन बॉलिंग बैटिंग दोनों तरफ से स्टेबिलिटी वो लेकर के आ रहे हैं और बैटिंग में मैच फिनिश कर रहे हैं, तो इसीलिए शशांक सिंह वहां पर डेफिनेटली वन ऑफ द पिक्स होने वाले हैं, जिनको सो कॉल्ड पंजाबी टीम ने गलती से खरीदा था, लेकिन अब वो पंजाब के एक इम्पोर्टेंट पिलर नजर आ रहे हैं।
दूसरा मेरा पिक होगा, अगर आप आशुतोष सोच रहे हैं तो वो नहीं होंगे, क्योंकि प्रभ सिमरन सिंह को मैं रिटेन करना चाहता हूँ। प्रभ सिमरन सिंह यंग टैलेंट, पिछले कुछ समय से पंजाब किंग्स के साथ जुड़े हुए हैं, लगातार अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं। अभी इमर्जिंग एशिया कप में भी कुछ पारियां यादगार रही प्रभ सिमरन सिंह के बल्ले से जो आई है, तो मैं चाहूंगा कि प्रभ सिमरन सिंह को रिटेन किया जाए। हालांकि आशुतोष बहुत अच्छे प्लेयर है, लेकिन आप उनसे उनको खरीदने के लिए ऑक्शन में ट्राई कर सकते हैं। मुझे लगता है कि प्रभ सिमरन सिंह अगर ऑक्शन में गए तो वो बहुत पैसा छापने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने जो उनकी रीसेंट परफॉर्मेंसेस रही है और पंजाब के साथ लॉयल्टी वाली बात भी आ गई, एक पंजाबी वाला फैक्टर भी आ गया, तो मुझे लगता है कि प्रभ सिमरन सिंह पर जाना चाहिए। बाकी कुछ प्लेयर्स और बच जाते हैं, जैसे कगिसो रबाडा बच जाते हैं, लियम लिविंगस्टन बच जाते हैं, तो इन तरह के प्लेयर्स पर आप जो बचा हुआ आरटीएम कार्ड है वो ट्राई कर सकते हैं। अगर आपके पास आरटीएम कार्ड नहीं बचता है तो आप ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक कोर की बात करनी, तो कोर आपका यही पांच प्लेयर्स बनाने वाले हैं, सैम करन, अर्शदीप सिंह, हर्षल पटेल, शशांक सिंह, और उसके बाद फाइनली प्रभ सिमरन सिंह। बिल्कुल यहाँ पे सही बात है, लेकिन यहाँ पे जैसे जयदीप ने बोला कि दो तीन प्लेयर मिस आउट भी कर जाएंगे, जिसमें लियम लिविंगस्टोन बड़ा नाम है, कगिसो रबाडा, इनफैक्ट नथन एलिस भी बड़े अच्छे गेंदबाज है, बहुत हरप्रीत बराल को हम नहीं भूल सकते, जिस तरीके से वो भी लोअर ऑर्डर में आके गेंदबाजी बैटिंग करते हैं और उसके बाद गेंदबाजी में भी काफी किफायती रहते हैं। हर्षव पटेल थोड़ा सा डाइसी लग रहा है मेरे को कि हर्षव पटेल को पंजाब करेगी या नहीं करेगी, इनफैक्ट वो पांच रिटेन कर ले वही बहुत बड़ी बात होगी पहले तो। अगर पंजाब रिटेन नहीं करती क्योंकि ये सेंसिबल डिसीजन नहीं। बिल्कुल, आप देखिए पंजाब, मेरे को जो मेरा दिमाग कह रहा है कि पंजाब शायद ज्यादा से ज्यादा दो या तीन रिटेंशन लेने वाली है, उससे ज्यादा वो लेगी नहीं, वो सीधा ऑप्शन में भैया वो छप्पड़ फाड़ने वाले, वहीं जाके वो पैसे एकदम लुटाएंगे, वो कहते हैं बिल्कुल, तो वो उस तरीके की सोच लेके चलते, देखते हैं पंजाब किंग्स किस तरीके से नया कप्तान, हालांकि सैम करन ही होते हुए नजर आ सकते, मे बी अगर रिकी पॉन्टिंग जुड़े उनके साथ उनकी क्या सोच होती है वो भी देखने वाली बात होगी कि वो किस तरीके के कप्तान जाते हैं, क्या सैम करन के साथ ही जाना चाहेंगे या फिर कोई दूसरा कप्तान तलाशेगी पंजाब किंग्स, वो देखना बड़ा मजेदार होने वाला है। तो अभी के लिए ये पांच रिटेंशन होने वाली है हमारी तरफ से, बाकी देखते हैं प्रीति जिंटा जी और उनके मैनेजमेंट कौन कौन से खिलाड़ियों को रिटेन करते हैं। लेकिन आपके पास भी मौका है, आप भी हमें कॉमेंट्स में बताइए भैया पंजाब किंग्स किन शेरों को रिटेन करें अपनी टीम में, है ना, फटाफट कॉमेंट्स में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं नहीं जाना है। इसके बाद आपसे अगली आईपीएल प्रेडिक्शन वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।